सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों ने इस बार CBSE, ISC बोर्ड या UP बोर्ड में टॉप किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो अपने बच्चे को भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा जो विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में भेजना चाहते हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि वो तैयारी कैसे शुरू करें। तो बहुत अच्छा है, उनका आत्मविश्वास है और मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल से ही UPSC की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा है, पर जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, BTech किया है या उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, टेक्निकल बैकग्राउंड है अथवा आर्ट्स बैकग्राउंड है अथवा साइंस बैकग्राउंड है, उनके सामने वो आते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस शहर में जाके पढ़ें। इतना भ्रम होता है, कोई दिल्ली जाने की बात करता है तो कोई प्रयागराज में जाने की बात करता है तो कोई कहता है कि लखनऊ पढ़ो। इतनी सारी कोचिंग्स हो गई, इतनी एडवर्टाइजमेंट, इतने भ्रामक विज्ञापन। इवन मैंने तो प्रयागराज में देखा है सिलेक्शन किंग, मतलब कोचिंग के बैनर पे लिखा था सिलेक्शन किंग, जैसे लगता था कि इन्होंने मतलब कितने सिलेक्शन करा रखे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जिसमें वो ये नहीं समझते हैं कि वो किस कोचिंग को ज्वाइन करें। अक्सर यही एक प्रश्न करते हैं कि सर मैं उस कोचिंग को ज्वाइन करूं, इस कोचिंग को ज्वाइन करूं, कौन सी कोचिंग है। तमाम फ्रेंचाइजी हैं, तमाम दिल्ली की कोचिंग यहाँ आ गई हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम दिल्ली में चले जाए, महंगा शहर है, हर किसी की इतना आर्थिक जो डिपेंडेंसी है वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना आर्थिक संपन्नता नहीं है कि दिल्ली में जाके अफोर्ड करें। थोड़ा सा प्रयागराज सस्ता है, पर लोग कहते हैं प्रयागराज में वो माहौल नहीं है। और लखनऊ में भी जितनी दिल्ली में कोचिंग है सब ने अपनी फ्रेंचाइजी प्रयागराज या लखनऊ में दे रखी है और यहाँ भी अब कोचिंग का एक हब बनता चला जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने स्किल को देखें। अगर आपका जो बैकग्राउंड है, एकेडमिक जो कैरियर्स है वो अच्छा है और आपको लगता है कि मैं सिविल सर्विस क्रैक कर सकता हूँ, तो आप निश्चिंत सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दें। और इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं वो जून से एक मतलब मैं उनको एक प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है और प्लानिंग मतलब मैं सेट करता हूँ कि जून से अपनी तैयारी शुरू करें और फिर कैसे कैसे जो है उसको एक स्लैब्स में बांट लें और बांटने के बाद किस तरह से अपनी तैयारी को जो है बेसिक जो अपनी तैयारी है तो उसको शुरुआत करें। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो बताने की है वो ये है कि देखिए सिविल सर्विस बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है और बहुत ही चांस फैक्टर बहुत टफ होता है। एक एक नंबर पर जो है इसमें संघर्ष करना पड़ता है, असफलताएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक ली और अगले साल उनकी रैंक बहुत ख़राब हो गई। मेरे पास तो इस तरह का भी एग्जाम्पल है जिन्होंने सिविल सर्विस को IPS क्वालिफाई और अगले बार जो है उन्होंने अपने रैंक को जो है बढ़ाने के लिए जब एग्ज़ाम दिया तो PLIMS ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। और कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो है अपने पिछले पोस्टल सर्विस वगैरह से जो प्रॉपर में जिनका सिलेक्शन हुआ, IAS में सिलेक्शन हुआ और तैयारी के साथ साथ जो है, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ना ही इसमें बहुत लोगों में ये भ्रम होता है कि हम सब्जेक्ट कौन सा चुनें। सब्जेक्ट का भी इसमें वही प्रॉब्लम है कि कोई भी कौन सा सब्जेक्ट ये अच्छा है वो अच्छा है। इस तरह से जो तमाम कोचिंग्स के लोग हैं या बहुत यूट्यूब वाले हैं तो वो तमाम जो सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज के वो उनके इंटरव्यू वगैरह जो है भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, इतने वीडियोस भरे पड़े हैं कि लड़का देखते देखते कंफ्यूज हो जाता है।
तो इसमें सबसे पहले मैं मतलब जो बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है, पहले आप अपना आत्मविश्वास पैदा करें, नकारात्मक सोच से बाहर निकलें। अगर आप समझते हैं कि मेरा जो पास्ट एकेडमिक कैरियर है वो बहुत अच्छा है, स्किल है और हम इसमें हमको पेशेंस भी है, क्योंकि मिनिमम मैं मतलब मेरा अपना व्यू है कि इसमें जो है मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स यानी 6 ईयर्स का आपको पेशेंस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं UPSC क्रैक कर लें, और अगर आप ये मानते हैं मैं फर्स्ट अटैम्प्ट क्रैक कर सकता हूँ तब भी आपको 2 साल जो है या 1 साल आपको पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत व्यू है, ये किसी कोचिंग का व्यू नहीं है। कोचिंग तो वो कहती है कि आप आइए और एडमिशन लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सब भ्रामक बातें, इन सब बातों में बिल्कुल आप मत पड़िए। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोचिंग एक मार्गदर्शन का काम करती है, और आप बिल्कुल अगर बिगनर्स हैं न्यूकमर्स हैं तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। जो भी अच्छी कोचिंग हो, कोचिंग एक आपको दिशा प्रदान करेगी कि आप कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सब कुछ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है और आप जो है एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ सकते हैं। और अभी तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि पहले आप आत्मविश्वास पैदा करें, उसके सिलेबस को देखें, देखें नहीं मेज पर लगा लें, रट डालें उसको। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, UPSC का सिलेबस क्या है या UPBCS का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के बाद इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है PYQ जो है वो उनको ज़रूर देख लें, उससे आपको एक ट्रेंड पता लगेगा। वो आपको ये नहीं समझिए कि बहुत लोग कहते हैं 10 साल के आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कहीं रिपीट होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो PYQ होता है वो आपको जो है वो एक जो एग्ज़ाम्स का ट्रेंड होता है वो आपको बता देता है। जैसे बहुत लोग जो है अभी नहीं जानते हैं करंट अफेयर्स में जो बहुत ही चर्चित चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल है, डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं, सोचते हैं कि ये ज़रूर आएंगी चर्चित नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है उसमें। जो भी चीज़ कभी कोई डिस्प्यूटेड चीज़ें नहीं आती हैं, ना कोई इस तरह का आता है कोई चीज़ चर्चा में तो वो आ जाएगी। जो पूछा जाता है वो केवल जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी स्किल को देखते हैं कि आपके अंदर जो है क्षमता कितनी है, प्रशासनिक क्षमता कितनी है और आप कैसे किसी चीज़ को टैकल कर सकते हैं। इसलिए ये अन्य कंपटीशन से भिन्न है, जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा उससे ये बिल्कुल जो परीक्षाएं होती हैं एकदम भिन्न होती हैं। इसलिए इनके लिए थोड़ा सा आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, और रणनीति बनाने के लिए है कि चूँकि इसके पैटर्न को आप समझिए कि इसमें पहले प्रिलिम्स एग्ज़ाम होता है जो करीब जून में है, इस बार जून में प्रिलिम्स एग्जामिनेशन है, और उसके बाद जो है जो इसमें जो लड़के क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे और उसके बाद इंटरव्यू देंगे। तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत इसमें टाइम लगता है, और इसलिए इसकी आप तैयारी को जो है जब बिल्कुल आप पेशेंस में हो, आपको लगे कि मेरे पास 5-6 साल है तभी आप इसकी तैयारी शुरू करें। मिनिमम मैं समझता हूँ 2 साल तैयारी के बाद ही आपको देना चाहिए। अटेम्प्ट बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहिए, केवल 6 अटेम्प्ट होते हैं, और अटेम्प्ट आप तभी ख़राब करें जब आपको लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लूँगा और मेरी मेंस की भी तैयारी कंप्लीट है, तभी आप अटेम्प्ट को ख़राब करें। अन्यथा अटेम्प्ट को आप सेफ रखें, तैयारी करते रहें, और जब आपको लग जाए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आइडिया लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप सीरीज तैयारी करें तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मेरी अब तैयारी हो चुकी, तभी आप जो है इसकी तैयारी में इसमें अपियर हों। जय हिंद, जय भारत।